वृंदावन के हनुमानगढ़ी मंदिर प्रांगण में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश में बढ़ रही जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त की गई। आने वाले समय में हमारे बच्चों को एजुकेशन, हमारे बच्चों को रोजगार, हमारी बुजुर्ग पीढ़ी को चिकित्सा व्यवस्था, ये सहेगी। अगर जमीन घटेगी तो आने वाले समय में देश में गृह युद्ध के हालात पैदा होंगे। खाने को अन्न नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, भुखमरी, गरीबी के कारण लोग एक दूसरे खून के प्यासे हो जाएंगे, इसलिए आवश्यक है देश में। साथ ही संस्था के पदाधिकारियों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की। बैठक में वक्ताओं ने संबंध में पद यात्रा कर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ संसद भवन पहुंचकर सरकार से कानून बनाने के बारे में जानकारी दी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संयोजक ममता सहगल ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के संबंध में आज ये बैठक आयोजित की जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बच्चों को रोजगार नहीं है, पढ़ने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो है पर एडमिशन नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 9 और 10 और 11 मार्च को पद यात्रा कर दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने देश की जनता से इस पद यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। वहीं संस्था के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा पिछले 3 वर्षों से सरकार से एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की जा रही है। देश में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, उस तेजी से हम आगामी 5 सालों में चीन को पीछे छोड़ देंगे। देश में बढ़ रही जनसंख्या के कारण हमारे देश गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि 9 मार्च को ब्रज क्षेत्र से गढ़गंगा से मेरठ आदि शहरों के साथ पद यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम संसद पर जाकर सख्त कानून की मांग करेंगे। आज ये बैठक जो रखी गई है किस संदर्भ में? ये जनसंख्या निरंतर सख्त निरंतर कानून के लिए रखी गई है। 2 बच्चों का कानून पूरे देश में लागू हो, और जिसके ऊपर हम 3 साल से इस आंदोलन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी विषय को लेके आज हम वृंदावन में आए हैं और इस मंदिर के प्रांगण में हमने इस बैठक का आयोजन रखा है कि हनुमान मंदिर में, हनुमानगढ़ी में, जिससे पूरे देश में इस विषय में लोग जाने और पहचाने। जिस तरह से कैंसर की तरह जनसंख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है, इसका हम लोगों ने ही इलाज करना है और सब लोगों को उठाना है और इसके जागरूक करना है कि साथ आए हैं और मिलके इससे लड़ें, क्योंकि जिस तरह से हमारे संसाधन घटते जा रहे हैं, आने वाला भविष्य अंधकार में है। बच्चों को रोज़गार नहीं है, पढ़ने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं पर एडमिशन्स नहीं हैं। जिन पैसों से हम लोग दूध पीते थे या हमारे पूर्वज दूध लेते थे, आज हम उनसे बॉटल पानी खरीदते हैं। जिस तरह से हमारे संसाधन घटते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है, और इसी को लेके हम आए हैं कि लोग जागरूक हों और आएँ। आने वाली 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च, ये 3 दिन की पदयात्रा हम करेंगे और दिल्ली चलेंगे, संसद चलो, तो इसी में आए हैं और सबका हम सहयोग लेने आए हैं कि देश की जनता हमारे साथ आए और इस पदयात्रा को सफल बनाए। जी, मेरा नाम अनिल चौधरी है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से हम लोग हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 3 वर्षों से सरकार से एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा है। देश में जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, आज हम 134 करोड़ हो गए हैं, आने वाले 5 वर्षों में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। जिस तरह से आबादी बेतहाशा रूप से बढ़ रही है, हमारा देश गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी इसमें सबसे नंबर 1 अर्थात दुनिया में प्रथम स्थान पर चल रहा है। चीन की आबादी हमसे भले ही कुछ करोड़ आगे हो, लेकिन उसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है। आने वाले 5 वर्षों में हम लोग उसे पीछे छोड़ेंगे। पूरी दुनिया में प्रति मिनट पैदा होने वाले बच्चे औसतन 1 या 2 बच्चे हर देश में पैदा होते हैं प्रति मिनट,
चीन में वो आंकड़ा 11 बच्चे है, हिंदुस्तान में आज वो आंकड़ा 29 है, यानी हम चीन से 3 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। इस मुहिम को बढ़ाने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए क्या तरीका है, किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे? जी, हमने पिछले 3 वर्षों में कई बार पूरे देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी, अलग अलग राज्यों के शहरों गांवों में जाकर लोगों को जागरूक किया है। देश भर में हमने धरना ज्ञापन प्रदर्शन किए हैं। देश के 312 जिला मुख्यालयों पर हमने टीम बना के प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन भेजा है वहां के जिलाधिकारियों के माध्यम से। और अब हम आने वाले 9 मार्च को ब्रज क्षेत्र से, गढ़गंगा से, मेरठ से, शामली से पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं। संसद चलो पदयात्रा होगी और वो संसद के ऊपर जाकर समापन होगा। जो कानून का मंदिर है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, भारत का मंदिर है संसद, उस संसद के ऊपर हम चल के वहां परिक्रमा करेंगे और वहां अपनी बात को रखेंगे। कानून सख्त बने, सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, यही हमारी मांग है पूरे देश की।